मेरे पास भी हथियार है। घुस के मारेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेफ 2 के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों KGF 2 लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही है और अब तक ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुकी है। इस फिल्म का अब मेन टारगेट दंगल का लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस करना है। दंगल ने हिंदी में 388 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था। KGF 2 जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से ये फिल्म दंगल के लाइफ टाइम कलेक्शन को जरूर क्रॉस कर लेगी। उसके बाद बस बाहुबली 2 का रिकॉर्ड रह जाएगा जिसने हिंदी में 511 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दोस्तों जो लोग मेरी वीडियो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं तो उनको पता ही है कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि KGF 2 ही एकमात्र ऐसी फिल्म है जो बाहुबली 2 की रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखती है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर KGF 2 बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को नहीं भी तोड़ पाती है तो उसके आसपास जरूर पहुंचेगी। और हुआ भी ऐसा ही। KGF 2 ने बाहुबली 2 की हिंदी वर्जन के पहले दिन के कलेक्शन को बीट कर दिया और अब भी KGF 2 बाहुबली 2 से आगे चल रही है। लेकिन बाहुबली 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस करना आम बात नहीं है। बाहुबली 2 को फैमिली ऑडियंस से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, वहीं KGF 2 को यूथ सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से KGF 2 हिंदी में 420 करोड़ से 450 करोड़ तक का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन कर लेगी। वैसे आपके हिसाब से KGF 2 का हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर बात करें KGF 2 के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अपने 4 दिन के पहले वीकेंड में 194 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था तो 5वें दिन में 25 करोड़ 60 लाख के कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म के 6वें दिन का जो अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो है 20 करोड़ 35 लाख का, यानी इस फिल्म ने अपने 6वें दिन में लगभग 20 करोड़ 35 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 239 करोड़ 95 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ऑल इंडिया में अपने पहले वीकेंड में 407 करोड़ 52 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो 5वें दिन में 57 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म के 6वें दिन का जो अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो है 46 करोड़ 10 लाख का, यानी इस फिल्म ने अपने 6वें दिन में लगभग 46 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 511 करोड़ 27 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 613 करोड़ 41 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 116 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 729 करोड़ 41 लाख हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 7वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 7वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 14 करोड़ का एस्टिमेट नेट कलेक्शन करने वाली है तो ऑल इंडिया में लगभग 32 करोड़ का एस्टिमेट नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ है और ये फिल्म हिंदी और ओवरऑल दोनों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। तो दोस्तों आपने इस फिल्म को अब तक कितनी बार देख लिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।